गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिसेस पद्मा केसरी. स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू चैप्टर 2 पेज नंबर 11 एंड लिसन केयरफुली. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 2 का पेज नंबर 11 से एक्सप्लेन करती हूँ और आप लोग इसे केयरफुली लिसन करिए. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोगों को कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज हम लोग करते हैं. तो इसके लिए जैसे कि घरों में और हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में, दुकानों पे किस तरह यूज करते हैं, तो आगे हम पढ़ते हैं कि देखिए बैंकों में हम किस तरह से कंप्यूटर का यूज करते हैं. तो कंप्यूटर आर यूज टू रिकॉर्ड द अकाउंट डिटेल ऑफ कस्टमर. कंप्यूटर का उपयोग हम करते हैं कि किसमें जो भी बैंक में कस्टमर्स जाते हैं उनके अकाउंट्स के सारे डिटेल्स को हम लोग कंप्यूटर पे रखते हैं. कंप्यूटर मेक पॉसिबल द विड्रॉल एंड डिपॉजिट ऑफ कैश. कंप्यूटर के जो विड्रॉल मतलब होता है पैसा निकालना और डिपॉजिट मतलब होता है पैसा जमा करना. जब पैसा बैंक में हम लोग निकालने और जमा करने जाते हैं तो उसका वो भी कंप्यूटर से ही पॉसिबल, आसानी से पॉसिबल हो जाता है. कंप्यूटर आर यूज टू वेरियस ट्रांजेक्शन एंड टू परफॉर्म डे टू डे वर्किंग इन द बैंक. और भी कंप्यूटर का यूज हम करते हैं अलग अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन करने में, जो कि डेली बैंकों में डे बाय डे कितना बैंकों में ट्रांजेक्शन होता है, कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, इसका सारा कैलकुलेशन भी हम लोग कंप्यूटर पे ही करते हैं. इन एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन. और एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में इसका क्या काम है कंप्यूटर का? तो कंप्यूटर हेल्प्स इन रिजर्वेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ रेल एंड एयर टिकट ऑफ पैसेंजर. कंप्यूटर जो है वो हेल्प करता है हम लोगों की. किस चीज़ में हेल्प करता है? अच्छा बताओ, क्या आप कंप्यूटर पर बैठ के कहीं जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना. देखिए, कंप्यूटर हेल्प करता है जो हम रेल में और एरोप्लेन में जो टिकट्स हम लोग बुक करते हैं पहले से ही, और बुक करते हैं जैसे हमको कहीं जाना है, मान लो हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली हमको कब जाना है, तो हम लोग पहले से ही कंप्यूटर के द्वारा अपनी बुकिंग करा के रखते हैं और मुझे वहाँ से टिकट मिल जाता है. तो जिस दिन हमें जाना रहेगा उस दिन हमारी सीट पहले से वहाँ बुक रहती है, आराम से जाके बैठ सकते हैं. और मान लीजिए हम नहीं जा पा रहे हैं तो कंप्यूटर से ही अपना टिकट हम कैंसिल भी करा सकते हैं, दोनों होता है. नेक्स्ट, कंप्यूटर हेल्प इन गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट्स. और कंप्यूटर की हेल्प से हम हेल्प करता है किस चीज़ में? जैसे हमको पता चलता है कि ट्रेन कितने बजे आएगी और कितने बजे छूटेगी. अराइवल्स का मतलब होता है ट्रेन का आना, और डिपार्चर का मतलब होता है कि ट्रेन का जाना. जैसे कि कभी कभी होता है कि गाड़ी 12:10 पे आएगी और 12:20 पे यहाँ से छूट जाएगी, तो कुल मिला के 10 मिनट का टाइम मिलता है पैसेंजर को चढ़ने और उतरने का. तो इसको कंप्यूटर की हेल्प से हम ये भी पता कर सकते हैं कि ट्रेन कितने बजे आएगी और कितने बजे छूटेगी, तो हम टाइम से प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाते हैं. कंप्यूटर हेल्प इन कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ पैसेंजर. और कंप्यूटर जो है पैसेंजर का पूरा रिकॉर्ड रखती है कि कौन सा पैसे भाई, जब हम कंप्यूटर द्वारा टिकट बुक कराते हैं तो सारा रिकॉर्ड इसमें रहता है. और जब भी कि कहीं भी हमको बजट का डाटा वाटा बनता है तो फिर उसमें वो रिकॉर्ड काम करता है. नेक्स्ट पेज पे आते हैं स्टूडेंट्स. नॉलेज बाइट्स. कंप्यूटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. देखिए, हम लोगों ने इस लेसन से क्या क्या हमें नॉलेज मिला है उसको हम छोटे छोटे पॉइंट में देखते हैं. कंप्यूटर प्ले एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. कंप्यूटर का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. अब यूँ समझिए कि आज के समय में कंप्यूटर के बिना हमारी लाइफ को जीना असंभव हो गया है. तो कंप्यूटर आर यूज एट वेरियस प्लेसेस. कंप्यूटर का यूज अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से होता है. एट होम्स. वी जनरली यूज़ कंप्यूटर फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़. एट होम, घरों में हम क्या करते हैं? वी जनरली हम किस चीज़ में यूज करते हैं कंप्यूटर का? एंटरटेनमेंट पर्पज़, मनोरंजन के लिए यूज करते हैं घरों में. इसमें घर में ज़्यादा कुछ वर्क नहीं करते हैं, तो घरों में यूज जो होता है उसको ज़्यादातर लोग मनोरंजन के लिए यूज करते हैं.
इन स्कूल्स, स्कूल में क्या यूज है, वी यूज कंप्यूटर फॉर एजुकेशन पर्पज। और स्कूल में कंप्यूटर में मनोरंजन तो नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे हम एजुकेशनल पर्पज से, शिक्षा के पर्पज से हम लोग इसको यूज करते हैं। इन ऑफिस कार्यालय में क्या यूज है, वी यूज कंप्यूटर टू परफॉर्म ऑफिशियल टास्क। कंप्यूटर का यूज हम लोग ऑफिस में करते हैं कि जो भी हमारे ऑफिशियल टास्क रहते हैं वो कंप्यूटर पे आसानी से हो जाते हैं। इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में क्या यूज है, कंप्यूटर आर यूज टू स्टोर डाटा ऑफ पेशेंट एंड अदर रिलेटेड टास्क। कंप्यूटर का यूज हम करते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं उनके डाटा रखते हैं सारे, कि वो कौन सा रोगी है, उसकी क्या दवाइयाँ चल रही हैं, उसके क्या रिपोर्ट्स हैं, और भी ढेर सारे वर्क कंप्यूटर पे हम लोग हॉस्पिटल में भी करते हैं। इन शॉप्स, दुकानों में क्या यूज है कंप्यूटर का, कंप्यूटर आर यूज टू मेक बिल्स एंड अदर रिलेटेड टास्क। कंप्यूटर से हम लोग कस्टमर का बिल बनाते हैं, और भी अलग अलग टास्क जो रहते हैं, काम रहते हैं, उसको हम कंप्यूटर पर करते हैं। जैसे कि अपने स्टॉक को मेंटेन करना, कौन सा प्रोडक्ट है कौन सा नहीं है, तो इस तरह से हम लोग कंप्यूटर पे उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं। इन बैंक्स, बैंक में क्या यूज है, कंप्यूटर आर यूज टू रिकॉर्ड द अकाउंट डिटेल ऑफ कस्टमर। कंप्यूटर का यूज हम कर रखते हैं कि जो कस्टमर हैं उनके अकाउंट के डिटेल को पूरा मेंटेन करके रखते हैं। एट एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशंस, कंप्यूटर आर यूज टू बुक और कैंसिल द टिकट। कंप्यूटर का यूज, देखिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में क्या होता है कि हम यहाँ से अपने टिकट्स को बुक भी करते हैं और कैंसिल भी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है, और आप लोग इसको केयरफुली इसको फिर से रीड करिए और फिर से समझने की कोशिश करिएगा। और जो और भी जो आपके क्वेरी रहेंगे, जो आपको नहीं समझ में आएगा, वो आप हमें होमवर्क में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।